एक दिन पहले वो कत्ल होता है, उसका बेटा मुद्दई है उसके अंदर, कोई कॉमन सेंस तो कहीं सवाल कर ले कि कुछ भी कह देंगे आके। उनके घर वालों के ऊपर तोहमत लगाकर ये समझते हैं कि इनका जो है कि वहां पर लोगों ने जो है इनके ऊपर पथराव किया है दो जगहों पे, हम नहीं कहते कि अच्छी बात है, लेकिन जब आप निकलेंगे इस तरह से और आपके करतूत आपके कारनामे आपकी बाप की परफॉर्मेंस को जो है वो फेस करना पड़ेगा, उसकी वजह यह है कि जो वोट को इज्जत दो की बात की जाती थी, नारा लगाया जाता था, तो वोट को तो इन्होंने बिल्कुल जो है उस आवाम को तो रोन दिया। उन खान साहब से मैंने बात की और मानिका जो है उनके हवाले से कि इस तरह का जो है उनकी बयान जो है वो आया है, तो वो मुस्कुराए आगे कि उन्होंने कहा जी कि एक बंदा जो है वो किया जाए, कोई इजाजत नहीं दी जाती थी अंदर जाने की, किस वजह से कमरा छोटा है 12x14 का कमरा जिसके अंदर छुपा के इन कैमरा प्रोसीडिंग की जा रही है, इन कैमरा कार्रवाई की गई, छुपा के गिरफ्तारी की गई, छुपा के रिमांड किया गया, और किस तरह से वो अदालत चल रही है जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा वादा कर दिया कि ये जो ट्रायल सारा किया गया ये गैर कानूनी है, खोल दिया, सीसीपीओ साहब ने सलूट मारे, बायोमेट्रिक वाला अमला हाईकोर्ट के ऊपर पहुंच गया और आपने देख लिया कि कैसी बाइक से बैठे बैठे अटॉर्नी के जरिए जमानत दायर हुई, बिल्कुल नहीं थे उनकी वहां बाहर बैठे बैठे अदालत के थ्रू जो है वो उनकी बेल एक्सेप्ट हो गई थी प्रोटेक्टिव बेल, तो ये भी कहते हैं कोई ऐसी मिसाल अपने नित नहीं मिसाल है। नवाज शरीफ पर जो केसेस बने हैं वो बेबुनियाद है, वो कह रहे हैं कि अभी भी पीटीआई कह रहे हैं भैया फेयर एंड स्क्वायर खेलने का मौका दें, दो तिहाई हमारी है, मतलब आप बाकी तो छोड़ ही दें। नहीं पंचुता साहब उन्होंने कहा ना नून निकली ना मीम निकली ना शीन निकली, आप में से एक आईपीपी भी निकल गई है एक पीटीआई भी। वजीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान को आज अदालत की तरफ से बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया, इस खबर की तफसील आपके साथ वीडियो में आगे चल के शेयर करेंगे। नून लीग एक जलसा करने के बाद चुप करके बैठ गई है, वो मजीद जलसा क्यों नहीं कर रहे, इसकी बड़ी वजह भी नईम पंचौता ने आज लाइव शो में सबके सामने बयान कर दी। नईम पंचौता ने बताया कि नून लीग वाले एक कन्वेंशन के लिए जब पब्लिक में निकले तो पब्लिक की तरफ से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पथराव हुआ, इस पर नून लीग की उज़्मा बुखारी चिल्ला उठी और कहने लगी कि हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई पथराव नहीं हुआ, लेकिन नईम पंचौता ने लाइव शो में उज़्मा बुखारी वो ऐसी खरी खरी सुनाई के मजा आ गया। आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। ताना स्टेटमेंट उन्होंने दिया है और दूसरी बात मैं बड़ी क्लियर करता जाऊं, आपने प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बात की जी कि नईम हैदर ने ये कहा कि छोटा कमरा है और बड़ा कमरा दिया जाए, तो अदालत ने ये कहा कि उस कमरे को तोड़ दिया जाए। बात यह है कि मैंने अदालत से ये गुजारिश की क्योंकि जब हम मिलने जाते थे इमरान खान साहब से या अदालत जो है वो लगती थी प्रोसीडिंग जब होती थी वहां पर, तो वहां पर वकलाक को इजाजत नहीं दी जाती थी अंदर जाने की, किस वजह से कि कमरा छोटा है 12x14 का कमरा जिसके अंदर छुपा के इन कैमरा प्रोसीडिंग की जा रही है, इन कैमरा कार्रवाई की गई, छुपा के गिरफ्तारी की गई, छुपा के रिमांड किया गया, और किस तरह से वो अदालत चल रही है जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा वादा कर दिया कि ये जो ट्रायल सारा किया गया ये गैर कानूनी है। तो जब ये बात सामने आ गई निगरान हुकूमत ने रात दिन एक करके गलत बोगस झूठे नोटिफिकेशन जो है वो निकाले जो कि इनके मुंह के ऊपर मारे हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कि आपने सारे गलत फैसले। लेकिन पंचौता साहब आपने कहा उनका हक क्या है, वो वजीर दाखला है ना, तो जेल के जितने मामलात हैं वो तो उनके उनका प्रेरोगेटिव है, उनकी वजारत के अंडर आता है, मतलब वो इसलिए ये बात कर रहे हैं, उनका एक उनका एम्बिट तो बनता है, उनका प्रेरोगेटिव तो बनता है। जो उनका जुमला स्टार्ट हुआ है ना वो ही उनका ज़हन जो है ना वो क्लियर कर रहा है कि इस वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाडा जिसको बनाया गया है ना, जो अदालतों के कंधों पर सवार होके आए हैं और जिन लोगों के सारे के ऊपर वो आए हैं वो उनकी तरफ उन्हें जो है वो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, और जो उन्होंने बात की है ना कि कोर्ट का लाडा इमरान खान है, भाई ये पहला जुमला ही उनका माइंड क्लियर कर रहा है कि वो यकतरफा हुए हैं। अच्छा यानी आप कह रहे हैं उनका बायस जो है वो खुल के सामने आ रहा है, और आप इसके ऊपर आपने फिर जाहिर है नवाज शरीफ साहब का भी हवाला दिया कि कोर्ट का लाडला और अदालत के कंधों पे, अजमा साहिबा का भी जवाब इस मांगू कंधों पे सरकार ने प्रोटोकॉल दिया, सीसीपीओ साहब ने सलूट मारे, बायोमेट्रिक वाला अमला हाईकोर्ट के ऊपर पहुंच गया और आपने देख लिया कि कैसी बाहर से बैठे बैठे अटॉर्नी के जरिए जमानत दायर हुई, कैसे उनकी बेल एक्सेप्ट हो गई। ठीक है जवाब इसका जवाब भी मांगती हूं। इमरान खान की तोशाखाना वाली अपील उससे पहले की दायर और आपसे पंचौता साहब एक बहुत जाहिर है जरूरी और भी हमने मजीद गुफ्तगू करनी है क्योंकि अभी आपको पता है पर्सनल नौयत की भी कुछ चीजें यके बाद दीगरे सामने आ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी आपसे हम जानेंगे कि वेदर द पीटीआई हैज प्लान्स टू सू दीज ऑथर्स, खासतौर पर जो मतलब रेहम खान तो एक पुरानी ऑथर है, अब एक नई ऑथर भी सामने आई है। अजमा साहिबा ये बहुत अहम मामला है और लाडलापन ये तो मतलब एक बड़ा बायस खुल के सामने आ रहा है। दूसरा बयान वैसे मैंने पंचौता साहब को सुनाया नहीं, उसमें तो वो सरफराज बुकटी साहब इस हद तक कहते हैं कि मेरे ख्याल से नवाज शरीफ पर जो केसेस बने हैं वो बेबुनियाद है और बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उनको जो है निकाला गया है, तो ये तो फिर उनकी बात एक तरह से वैलिडेट हो गई ना जो पंचौता साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल बायस है खुल के निगरान जो हुकूमत है।
बहुत शुक्रिया मोना, कमाल बात है कि क्या बेटे से जो है वो ख्याली तनख्वाह जो वो ले सकते थे लेकिन नहीं नहीं इसमें निकाले गए वो, तो ये इसके अंदर बाइस कहाँ से आ गया, ये हुआ ना इस मुल्क में और ये दुनिया में शायद जो है ये पहला वाकया है और अल्लाह करे आखिरी भी हो कि जहाँ पर जो है मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालने के लिए इस तरह का हरबा इस्तेमाल करना पड़ा। वो अज़मा साहिबा अभी ये तो आपने पुरानी सजाओं का आपने जिक्र किया, वो कहते हैं अभी जिस तरह से जो बायोमेट्रिक्स हुई या फिर जो हिफाजती जमानत मतलब आप वो कहते हैं खान साहब को तो उनको चोट लगी भी थी फिर भी उनके उनके अटॉर्नी के थ्रू आई थिंक पंजोता साहब भी अटॉर्नी थे उसमें तो वो एक्सेप्ट नहीं की गई उनकी बुरी जमानत या कोई भी मामला। नवाज शरीफ साहब तो मुल्क में ही नहीं थे, उनकी वहां बाहर बैठे बैठे अदा तारण के थ्रू जो है वो उनकी बेल एक्सेप्ट हो गई थी प्रोटेक्टिव बेल, तो ये भी कहते हैं कोई ऐसी मिसाल अपने नित नहीं मिसाल है अज़मा साहिबा। बिल्कुल मैं बात पूरी करूँ, मैं जी जी करूँ, कमाल बात यह है कि जिनको अदालतों के सामने सरेंडर करने पे एतराज है उनको अपने देसी घी के मटन खाने पे एतराज नहीं है, जिनको अपनी जॉगिंग मशीनें इस्तेमाल करने पे एतराज नहीं है, जिनको एक एक मिनट के अंदर जिस केस में आप आए हैं उसमें भी आपको बेल और जिसके जो केस आप पे कभी होगा उसमें भी आप बेल, कभी इस तरह की ब्लैंकेट इम्यूनिटी देखी आपने किसी मुलजम को मिलती हुई? और ये जो अब उनको पेश होना पड़ा ना, ये तो पेश होना पड़ा उनको 9 मई के बाद, अदरवाइज तो उससे पहले तो खुले छुट्टी थी उनके, उनके तो कोई वारंट लेके नहीं जा सकता था मोना, आपने नहीं देखा जो वारंट लेके जाता था उसको दहशतगर्दों का फायदा पैरा होता था वजीरिस्तान के दहशतगर्द जो है वो तरीके तालिबान के जिनको छुड़वाया गया था अपने दौरे को मतलब वो वहां पे इनका इनको गार्ड कर रहे थे वो वहां बैठकर जो है बकायदा तौर पर ये इस तरह की कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निगरान हुकूमत पंजाब ने भी की थी कि वहां से दहशतगर्द और ऑन रिकॉर्ड चीजें आई हैं और लोगों के चेहरे सामने आए जो वहां पर मौजूद थे। पंजोता साहब ये बड़ा सीरियस ये एक मैटर है, जो 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 लोग वहां पे मौजूद थे वो उनका पूरा रिकॉर्ड है, कुछ इतनी बात थोड़ी है कैमरे का दौरा ना होना। हाँ राइट, ये बहुत अहम बात है और इसमें कुछ अभी जो मजीद आने वाले अब नए इंकशाफात हैं इसका भी जरा तस्करा होगा पंजोता साहब और अज़मा साहिबा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी भी पीटीआई कह रहे हैं भाई हमें फेयर एंड स्क्वेयर खेलने का मौका दें, दो तिहाई हमारी है मतलब आप बाकी तो छोड़ ही दें, और दूसरी तरफ कोई सू करने का कोई डेफिमेशन सूट फाइल करने का इरादा है या नहीं है अली साहब, तो फिर आप सही समझा जाए कि नवाज शरीफ साहब के लिए जो भी मामला है उनको वो वजीर आजम बनना डिजर्व भी करते हैं, उन्हें वजीर आजम अगला होना भी चाहिए क्योंकि जरदारी साहब खुद कह रहे हैं कि बिलावल साहब अभी अंडर ट्रेनिंग है अभी उन्हें टाइम लगेगा, और आप किस वाली पीपल्स पार्टी में, वो 3P वाली या 4P वाली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं 7P में हूँ। 7P में आप? अच्छा ठीक है, देखें बिल्कुल जरदारी साहब ने बात अपने उस पर ठीक किया, देखें कि पॉलिटिक्स में आप डे टू डे आप सीखते हैं, हम भी मतलब है कि नए नए मरलों का सामना होता है, चीज़ें होती हैं, उस हवाले से उन्होंने कहा, यह बात उन्होंने बहुत पहले भी एक दफ़ा की थी, और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक नौजवान वजीर खारजा बने और 16 महीने में उन्होंने साबित किया कि उनको जो वजीर खारजा बनाया गया था या बने तो उन्होंने एक प्रूफ किया कि वो वाकई डिजर्विंग वजीर खारजा थे। और जहाँ तक आप इसकी बात कर रहे हैं कि जी वो डिजर्व करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो लाडले हैं या वो सेलेक्ट होकर, एक तासुर दिया जा रहा है, वो तासुर जो हम कहते हैं कि जो हमने पीडीएम की अपोजिशन में या पीडीएम में या उसके बाद हम इत्तेहादी जमातों में थे और जो बातें हम करते थे 2017-18 में पीटीआई के चेयरमैन के लिए कि ये गलत है, तो वो बात अगर मेरे साथ आज हो रही है या किसी और के साथ हो रही है वो गलत होनी चाहिए। अच्छा। हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहिए। हाँ। हम पाकिस्तान को क्या हो रहा है जरा खुल के आप लोग इलैबोरेट नहीं करते ना, क्या हो नहीं इलैबोरेट कई प्रोग्राम में देखें, हम ये नहीं चाहते कि जो जो ट्रीटमेंट मियां साहब के साथ हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, हम कहते होनी चाहिए, अच्छी बात है अगर उनको एक हाई कमिश्नर सी ऑफ कर रहे हैं लंदन एयरपोर्ट से, अच्छी बात उनको सी ऑफ कर रहे हैं, अगर यहाँ पर एक तासुर है कि जब उनके फिंगरप्रिंट्स लगाए गए स्टेट लॉन्च में, तो हमने जब इमरान खान के लिए कहा था कि ये जो इनकी हाजिरी गेट पे हो रही है तो ये क्यों हो रही है जी, अच्छा इत्तेफाक हम ये सवाल भी अज़मा से कर चुके हैं। फिर जब जो पंजाब में ब्यूरोक्रेसी जिस किस्म का तासुर दे रही है, प्रोटोकॉल के तासुर दें मियाँ साहब के लिए, हम उसको भी कहते हैं कि ठीक है देना चाहिए, लेकिन इस मुल्क में 5 और साबिक वजीर आजम भी हैं, खाकान अब्बासी साहब भी हैं, चौधरी शुजात साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, गिरानी साहब भी हैं, राजा परवेश साहब भी हैं, और एक प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर अंदर हैं, तो अगर उनके साथ भी यही चीज हो रही है तो हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, सबके साथ होनी चाहिए, अगर उनके साथ नहीं हो रही तमाम जो साबिका वज़रा आज़म है उनको एक एक करें, हाँ, और कहते अच्छी बात है हमारी हमारे मुल्क की इज्जत उनके साथ होनी चाहिए, अगर एक के साथ स्पेसिफिकली हो रही है फिर तो सवाल उठेंगे। अब मैं आपसे अगर अर्ज करूँ आपको क्या लगता है कोई ए और बी टीम एग्जिस्ट करती है पीपल्स पार्टी में, ये एक खुल के तासुर अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ आपकी तरफ ऐसा कोई इंप्रेशन आ रहा है? नहीं मैं नहीं कहना चाहती, ये मुझे हमने तो भुगता है ना जी, नून मीम शीन और पीपल्स पार्टी वाले भी बड़े मजे लिया करते थे उस वक्त, वो देखे ना मरियम का नहीं बन रही है शहबाज साहब से, हमारी तो नून शीन मीम नहीं निकली और आज भी नून शीन मीम इकट्ठी है ना, शहबाज साहब ने अपने जो है वो भाई को साइडलाइन किया, मरियम साहबा आज भी दोनों के पीछे चल के फख्र महसूस करती है, तो हम तो दैट्स ऑल अबाउट PMLN और मुझे नहीं लगता, मेरी मेरी दुआ भी है कि ऐसा कुछ ना हो, बिकॉज जो भुट्टो साहब की लेगेसी है, जो बेनजीर भुट्टो साहबा की पार्टी है
उसको अच्छे बुरे हालात में, जरदारी साहब तजर्बा कार आदमी है, बुजुर्ग है, आप देखिए ना ये बुजुर्गों को साइडलाइन कर दिया जाए, ये मतलब यूरोप में होता है कि बुजुर्गों को आप ओल्ड एज होम भेज देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात जो है, पहले खलंडरे को मुसल्लत करके पाकिस्तान के हालात देख लिए थे ना हमने। नहीं पंचोता साहब, उन्होंने कहा ना नून निकली, ना मीम निकली, ना शीन निकली, आप में से एक आईपीपी भी निकल गई है, एक पीटीआईपी भी निकल गई है, और ये जो खवातीन का जो एक मामला चल रहा है और जाति नौयत के केसेस, आप इनको सू क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एक रविश देखी जाती है कि पीटीआई एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाती है तमाम लोगों के खिलाफ, आप तो उनके माशाल्लाह लीगल काउंसिल हैं, आप कोई कानूनी चाराजोई क्यों नहीं करते अगर ये गलत और भोंडे इल्जाम लगा रहे हैं आपके लीडर पे? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। पहली बात तो ये है कि ऐसे प्रोपेगेंडे जो हैं वो आए रोज, ऐसे बयान आए रोज आते हैं और आ रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर टू, खान साहब से मैंने बात की और माने का जो है उनके हवाले से कि इस तरह का जो है उनकी बयान जो है वो आया है, तो वो मुस्कुराए आगे कि उन्होंने कहा जी कि एक बंदा जो है वो किया जाएगा, तो उसके बाद इस तरह के बयान तो पहले भी आजम खान हो या जो है सदाकत अब्बासी हो या फरक हबीब हो, ये सारे उनके बयान आए, तो लिहाजा उनको फर्क नहीं पड़ता। और जितने ये प्रोपेगेंडे करते हैं ना, ये खुद अपने ऊपर ही जवाब जो है मजीद से मजीद बनाते जा रहे हैं। अब ये निकलते हैं, हम कल कोई वीडियोस देख रहे थे कि वहां पर लोगों ने जो है इनके ऊपर पथराव किया है एक दो जगहों पे, हम नहीं कहते कि अच्छी बात है, लेकिन जब आप निकलेंगे इस तरह से और आपके करतूत, आपके कारनामे, आपकी बाप की परफॉर्मेंस, और आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदादें और मुल्क का खून चूसा होगा, तो डेफिनेटली लोग तो रिएक्शन देंगे। किसी लीडर पे आप कहते हैं पथराव हुआ है? जी मैंने देखा है, दो वीडियोस आई हैं, अब कोई तारण साहब का कहता है, किसी का कहता है, मैं तो तस्दीक नहीं करता, बहरहाल एक दो वीडियोस आई। तारण साहब तो वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि वो शायद मोने सिलाई साहब की पुरानी वीडियो है, पता नहीं आप किसकी वीडियो है, लेकिन ये तो इनको जो है वो फेस करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जो वोट को इज्जत दो की बात की जाती थी, नारा लगाया जाता था, तो वोट को तो इन्होंने बिल्कुल जो है उस आवाम को तो रोन दिया, उनके ऊपर मुकदमात बनाकर, उनको अगवा करके, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर, अब आप देख लेना कि खवातीन के ऊपर तशद्दुद करके लोगों के घर में दाखिल होकर, उस्मान डार की वालदा के ऊपर जो है आपने वीडियो भी देखी, और इसके साथ साथ बाकी आप खवातीन देखें कि उनके मुकदमे में जमानत होती है तो फिर नई दफा दर्ज कर लिया जाती है, मुकदमा उनके ऊपर बना दिया जाता है। लेकिन ये जो खातून है जिनका अभी आज जो बुक लॉन्च हुई है, हाजरा खान नाम है उनका, अब वो तो कहती है कि 2014 में वो ये तमाम इंकशाफात करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त के लोगों ने और जो पावरफुल कॉरिडोर थे उन्होंने उस वक्त ऑब्वियसली रोका है उन्हें, तो अब जाके वो, अब उन्होंने वो तमाम चीजें आज इंकशाफात किए। इन लोगों को तो आप कर सकते हैं ना, इनके ऊपर तो डिफेमेशन वगैरह चीजें हो सकती हैं, रिहाम खान साहिबा पे भी आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। देखिए ऐसी किताबें हजारों आती रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह ताला हक है और जो सच है वो कभी छुपता नहीं और झूठ जो है वो नजर आ जाता है। दूसरे नंबर पर आज आपने देखा कि इद्दत के दौरान निकाह वाला केस, उसमें खान साहब को वाइज़त जो है वो बरी कर दिया गया, क्योंकि उस शख्स ने जिसको प्लांट किया गया था, जिसका वकील जो है नून लीग का फ्रंट वकील हर मुकदमे में होता है, जो वाजह तौर पर कड़ियां जोड़ता है कि किस तरह से इन्होंने प्लांट किया और उसके ऊपर जो है मीडिया ट्रायल किया, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, कावर मानिका को उसको लेकर आए और मुख्तलिफ। अच्छा, ये आप कहते हैं नून लीग के कोई वकील हैं जिन्होंने ये केस टेकअप किया था? हमें तो लग रहा था कोई आम शहरी है। नहीं नहीं, देखें ऑन चौधरी को क्या काम, अच्छा तारड़ को क्या काम, आम शहरी बिल्कुल नहीं है, वो गर्मियों के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, सर्दियों वाला को किसी जगह के ऊपर गर्मियों में, आप बताएं तो कोई बर्फबारी वाला इलाका है जहाँ पे गर्मियों में बर्फबारी हो रही है? बड़ी ऑब्जर्वेशन आपने की है इस मामले पे। देखी है सारी चीजें देखी हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये रह गई कि खान साहब को जो बेल्स मिलती थी, 200 के करीब मुकदमा बनाए गए, 100 से ज्यादा मुकदमे इस बात के ऊपर थे कि आपने अदलिया के हक में आईन की बालादस्ती के लिए और अमन एहतजाज किया, तो लिहाजा आपके ऊपर दर्शन नहीं। मैं ये वाले जवाब मांग लूं कि कहा कि इनकी अपनी कोई कारकर्दगी नहीं, 16 माह में इन्होंने जो अवाम का हशर किया, अब अवाम उनके साथ ऐसा ही सलूक करेंगे, जब ये पब्लिक में निकलेंगे तो इन पर पथराव तो होगा। नईम पंचोता ने कहा कि इन्होंने 16 माह में इमरान खान पर 200 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए और सारे मुकदमात नून लीग खुद करा रही थी। नाज़रीन आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।